जय माँ भवानी, जय राजपूताना। आज आपसे बात करते हैं क्षत्रिय समाज की कुरीतियों के बारे में। समाज की ऐसी कौन सी कुरीतियां हैं जो समाज को दिन और प्रतिदिन कमजोर करती जा रही है। समाज की सबसे बड़ी कुरीति है दहेज प्रथा। आपने क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया, फिर आप दहेज का लेना देना कर रहे हो, यह समाज को कमजोर करने वाली एक सबसे बड़ी कड़ी है। दहेज वही लेता है जिसके पास नौकरी है, जिसके पास पैसे हो, जिसके पास अच्छा बिजनेस हो, हमेशा वही डिमांड करता है दहेज लेने और देने की। आप सक्षम हो? आपको दहेज की क्या जरूरत? ये क्षत्रिय हमेशा देख के खुश रहता है, लेके नहीं। आज एक समाज को नई दिशा देने चाहते हो, समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप दहेज का लेना और देना बंद कर दो। दूसरी सबसे बड़ी कुरीति है मांस और मदिरा का सेवन करना। क्षत्रिय ऐसा भोजन कभी स्वीकार नहीं करता था। मांस राक्षसों का खाना है और क्षत्रिय ऐसी कुरीतियों में पड़कर राक्षस के जैसे हो गए। मांस और मदिरा का सेवन करना बंद कर दो। याद करो उन महाराणा प्रताप को, जंगलों में रहके अपने परिवार को घास फूस की रोटियां खिला के ऐसे दिन व्यतीत किए, और आप मांस और मदिरा का सेवन कर रहे हो क्योंकि जंगल में मांस मदिरा नहीं था क्या? पर नहीं, क्षत्रिय के धर्म में मांस और मदिरा का सेवन करना एक महापाप है। तीसरे सबसे बड़ी कुरीति जमीन विवाद का प्लॉट। आप 2 फुट की जमीन के लिए भाई भाई से दुश्मनी ले लेते हो, जबकि हमारे समाज के मान भामाशाहों ने हजारों करोड़ों बीघा जमीनें दान में दे दी। आप 2 फुट की जमीन के लिए अपने पड़ोसी से और अपने सगे भाई से भाई के ऊपर तलवारें निकाल देते हो। ये जमीने, ये पलोटे यहीं पर पड़ा रह जाएगा और आप जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ जिससे आपका समाज में नाम हो, जिससे आपका परिवार में नाम हो। जमीन प्लाट का झगड़ा खत्म करो और एक क्षत्रिय की भांति जीना सीखो। चौथी सबसे बड़ी कुरीति है संस्कारों का अभाव। क्षत्रिय कोई जाति नहीं, क्षत्रिय एक धर्म और संस्कारों से बंधा हुआ एक इंसान है। क्षत्रिय वही जो संस्कारों का निर्वहन करे। आप आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप सोशल मीडिया पे देखते हो इंस्टाग्राम में हमारे संस्कृति को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कितना दिन चलेगा? अपने समाज को संस्कारों से बंधे रखना है तो आप याद कर लेना उन महान पूर्वजों को। मैं मेरे समाज के बहनों और भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भले ही इंस्टाग्राम पे आओ, आप सोशल मीडिया का जमाना है, पर आप अपनी मर्यादा को ना भूले, आप अपनी मर्यादा को ना भूले। आप याद कर लेना उस महारानी पद्मावती को, याद कर लेना महारानी हाडी को, याद करना लक्ष्मी बाई को, वो भी एक क्षत्रिय के घर में जन्म लेके अपने संस्कारों से बंधे होके आज इतना बड़ा नाम कर गई। समाज, आप
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम का अनुसरण करना भूल गए तो क्षत्रिय कैसे कहलाओगे? कभी नहीं।